BGMI या PUBG मोबाइल में कॉन्करर जाना चाहते हो और एक ऐसी वीडियो ढूंढ रहे हो जिसमें तुम्हें सारी बातें बताई जाए जिससे तुम कॉन्करर कर लो, कॉन्करर का फ्रेम तुम्हारे अकाउंट में लगे, तुम्हारे डीपी के ऊपर लगे, तो ये वीडियो वही है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट और 100% जेन्युइन एकदम अपने खुद के एक्सपीरियंस के साथ 20 टिप्स लाया हूं जिनको फॉलो करने के बाद मेरी गारंटी है तुम्हारा कॉन्करर जरूर लगेगा। चाहे कैसा भी डिवाइस हो, कितना भी बुरा खेलते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्करर हो जाएगा। 20 एकदम जेन्युइन टिप्स बताऊंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि और भी ऐसे ही वीडियोस चैनल पे अपलोड होने वाले हैं। नेक्स्ट सीजन यानी C3S7, इसी सीजन एक्चुअली मैं खुद कॉन्करर पुश कर रहा हूँ। सारे गेम प्ले वीडियोस की मैं मेरे टीममेट्स कैसे खेलते हैं गेम प्ले वीडियोस भी चैनल पे आएंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि कॉन्करर पहुंचते कैसे हैं। टिप्स तो मैं बताऊंगा, लेकिन काफी सारे लोगों को नहीं मालूम रहता कि कॉन्करर मिलता कैसे है। देखो, जब आप एस कर लेते हो, एस पे होते हैं आपके 4200 पॉइंट्स, तो काफी सारे लोगों को क्या लगता है, एस मास्टर, एस डोमिनेटर कर लेंगे तब हमारा कॉन्करर लगेगा। ऐसा नहीं होता। आपको सीजन की स्टार्टिंग में या सीजन एंड तक भी जाते हो या कभी भी जाते हो, आपको क्या करना है, आपका रैंक देखना है। रैंक कहाँ से दिखता है मैं आपको बताता हूँ। रैंक जब आप नीचे सेटिंग्स के बगल वाले आइकन पे जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको एक रैंक का ऑप्शन दिखेगा। रैंक में जाओगे जैसे ही तो नीचे आपका रैंक दिखेगा। रैंक जो है आपका वो 500 के अंदर होना चाहिए और आप एस के ऊपर होने चाहिए। आपका जो रैंक है एस के ऊपर हो और रैंक 500 के अंदर है, यानी आप कॉन्करर पे हो। लेकिन आपको तुरंत कॉन्करर नहीं मिलता, दूसरे दिन के सुबह 5:30 बजे से पहले तक आपको 500 के अंदर रहना है और एस के ऊपर रहना है। इतना कर लिए और हो गया कॉन्करर। बहुत सारे अलग अलग सर्वर्स रहते हैं, किसी में एस के बाद तुरंत कॉन्करर मिल जाता, किसमें तो भाई 6000 पॉइंट पे चले जाओ तब भी कॉन्करर नहीं लगता। सो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप चैनल पे जाओ, आपको पता चल जाएगा कि कौन से सर्वर में कितने कम पॉइंट्स पे कॉन्करर लगेगा, तो वो देख के अपने लिए सर्वर चूज कर लेना। अब आते हैं सबसे मेन यानी फर्स्ट पॉइंट पे, आपको मोड सेलेक्ट करना है। जो मैंने अभी बताया सर्वर आपको कैसे सेलेक्ट करना है, जो डेडिकेटेड वीडियो है वो एक बार देख लेना कि किस में आपको पुश करना चाहिए। एक रॉ आइडिया दे देता हूँ, अगर आपके पास डिवाइस अच्छा नहीं है, इजीली पुश जल्दी पुश करना चाहते हो कम पॉइंट्स में, तो सोलो FPP या फिर सोलो TPP ये आपके लिए बेटर है। उसके बाद डो FPP आपके लिए अच्छा है। पूरा डिटेल में जाना चाहते हो तो ये वीडियो आप देख लो, ऊपर मैंने लिंक देके रखा है। सेकेंड पॉइंट है, नेवर थिंक यू आर लेट। भाई कभी भी शुरू करोगे, काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई शुरू में नहीं किया, सीजन की स्टार्टिंग में नहीं किया तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है, मैं सीजन एंड पे भी कॉन्करर कर चुका हूँ। सीजन 10 में मैंने लास्ट के 2 दिन में कॉन्करर लगा था, दूसरे दिन सीजन चेंज हो रहा था उस टाइम मेरा कॉन्करर लगा था। तब बस ये रहता कि पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा चाहिए रहते हैं, स्टार्टिंग में करोगे तो थोड़े कम पॉइंट्स में हो जाएगा। तो लेट कभी भी नहीं हो ये मत सोचना, जब भी शुरू करोगे तब से कॉन्करर लग सकता है, ओके? और रिकमेंडेशन ये रहता है कि सीजन के स्टार्टिंग में ही करो क्योंकि तब कम पॉइंट्स में मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट है, डिसाइड द बेस्ट मैप फॉर यू। अब देखो खेल रहे हो, कौन से मैप में खेल रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मैप में कितना ज्यादा प्लस मिलता है ये आपको आइडिया थोड़ा बहुत होगा। देखो अगर कोई छोटा मैप है 15 मिनट का है तो ऑब्वियसली उसमें आपको कम प्लस मिलेगा। जितना ज़्यादा बड़ा मैप है उसमें सर्वाइवल टाइम आपका ज़्यादा रहेगा तो आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे, ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। अब आपके लिए बेस्ट मैप कौन सा है, देखो मैं क्या रिकमेंड करूँगा, जब स्टार्टिंग में अपन खेलते हैं, स्टार्टिंग में जब हम लोग किल्स के लिए खेलते हैं तब हम लोग छोटे मैप्स को प्रेफर करते हैं, जैसे कि कैरकेन हो गया, लिविक हो गया। इन मैप्स में आप 15 मिनट में एक मैच कंप्लीट हो जाएगा, 15 मिनट में आपको अच्छा खासा प्लस मिल जाएगा, 20 से 25 प्लस हम लोग स्टार्टिंग में निकाल लेते हैं जब हम लोग छोटी लेवल पे रहते हैं डायमंड वगैरह पे। तब अगर आप ये मैप्स खेलते हो तो आपके लिए बेटर है। उसके बाद जब लॉबी हार्ड हो रही है, जब आपको उन मैप्स में प्लस मिलना कम हो जाए तब बड़े मैप्स खेलो। सबसे बेस्ट है एरेंगल और अभी जो एंशियंट टेंपल वाला इवेंट है वो तो बेस्ट होने वाला है रैंक पुश करने के लिए, क्योंकि उसमें आपको रिकॉल भी रहेगा। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा एरेंगल खेलो ज्यादा और इवेंट वाला ही खेलो क्योंकि उसमें रिकॉल रहेगा। बट ये है कि हैकर्स जो है इवेंट वाले में मिलने के ज्यादा चांसेस है, तो उनसे बच के रहना। फोर्थ पॉइंट है, फिक्स ड्रॉप्स अकॉर्डिंग टू योर गेम प्ले। आपका कैसा गेम प्ले है उस हिसाब का ड्रॉप लो। बहुत अच्छा खेल लेते हो, आपका गन पावर अच्छा है, इजीली बंदों को मार लेते हो, कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हो, तो ऐसे ड्रॉप्स लो जहाँ पे तुमको डिसेंट किल्स मिल जाए और कन्फर्म हो अपने
खुद पे भरोसा हो कि तुम नहीं मरोगे, अच्छे खासे किल्स निकाल लोगे। बट अगर बहुत अच्छा नहीं खेल पाते हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, तब ऐसे ड्रॉप्स लो कुछ। देखो यहाँ पे मैं मैप में दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके के ड्रॉप्स पे आपको इजीली थोड़ी बहुत लूट मिल जाएगी, बंदे मिलने के चांसेस कम होंगे, पॉट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ उस एरियाज में आपको गाड़ी भी मिल जाएगी। और ये सारी चीज़ें आपको कॉन्करर के लिए चाहिए ही चाहिए। आपको व्हीकल चाहिए, लूट चाहिए और किल्स चाहिए, तो आपको बॉट्स भी मिल जाएंगे। तो ड्रॉप लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सबसे पहला काम यही रहता है कि आपको एक ड्रॉप डिसाइड करना है, तो अपनी टीम के साथ या अकेले पुश करो या डुओ पुश करो, तो ड्रॉप्स डिसाइड करो कि इस तरीके के फ्लाइट पाथ पे हमको ये वाले ड्रॉप्स चाहिए, या फिर अगर वैसा फ्लाइट पाथ जा रहा है तो उस साइड के ड्रॉप्स जो है वो हमारे ड्रॉप्स है। यहाँ पे आपको गाड़ी भी मिल जाएगी, लूट भी मिल जाएगी। अपने लिए ड्रॉप फाइनल करो। हॉट ड्रॉप्स अवॉइड करो, अवॉइड हॉट ड्रॉप्स। कभी भी गन फाइट मत लो भाई, उतरते मरोगे तो बहुत गंदा माइनस लगेगा, कोई सेंस ही नहीं है फिर। या तो फिर आप नॉर्मल टाइम पास के लिए खेल लो अगर आपको ऐसा खेलना है तो हॉट ड्रॉप्स रैंक पुश करते टाइम बिल्कुल मत करो। हाँ, स्टार्टिंग में जब आप किल्स के लिए खेल रहे हो तब आप हॉट ड्रॉप्स ले सकते हो, क्योंकि मैं खुद भी लेता हूं, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा आप लो हॉट ड्रॉप्स, लो किल्स निकालो अच्छे खासे, तब माइनस ज्यादा लगने का डर नहीं है। बट जब एक अच्छी लेवल पे आ जाओ, एस पे आ जाओ, एस के ऊपर आ जाओ, लाइक आपका रैंकिंग आ जाए, तब हॉट ड्रॉप्स मत करना, क्योंकि वो जो माइनस लगता है ना, वो और कुछ तो नहीं, आपका टाइम वेस्ट तो करेगा ही करेगा बट डीमोटिवेट कर देता है, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर हो भी रहा, माइनस लग भी रहा, तो भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, थोड़ा टाइम ही तो लगेगा ना, कर लेंगे। लेकिन जब वो कॉन्करर मिलेगा, जब आपका अकाउंट में जब शो होगा कि आप कॉन्करर पे हो, एक कॉन्करर प्लेयर हो, फ्रेम लगेगा भाई, वो फीलिंग ना नेक्स्ट लेवल है। सिक्स पॉइंट है, होल्ड कंपाउंड्स एंड हायर एरियाज। हायर एरियाज क्यों? क्योंकि जब भी आप ऊपर रहोगे तो नीचे से ऊपर देखना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ऊपर से आप हर किसी को देख सकते हो। ऊपर आप टीपीपी का यूज करके भी कोई पत्थर वगैरह या कहीं पे भी रिच पे बैठ के नीचे क्या हो रहा है सब देख सकते हो, और नीचे से वाले आपको ऊपर नहीं देख सकते, तो वहां से आपको किल्स मिलने के बहुत सारे चांसेस है। इजीली बॉट स्पॉट हो जाएंगे, ओपन में कोई बंदा दौड़ रहा है तो वो स्पॉट हो जाएगा। कंपाउंड्स इसलिए क्योंकि देखो कॉन्करर लॉबी में ना हैकर्स बहुत आते हैं, तो ओपन में रहोगे या फिर कोई भी ऐसे एरिया में जहां से तुमको पड़ सकती है तो हैकर तुम्हें मार देगा। लेकिन कंपाउंड पे हैकर का पुश करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि वो भी इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाएगा, उसको ईएसपी होगा, चलो देख के आ जाएगा वो कि तुम कहां हो, बट अंदर घुस के मारना और तुम प्री फायर दे दोगे ना तो हैकर को मार सकते हो। इसके साथ साथ कंपाउंड होल्ड करने के बहुत सारे एडवांटेजेस है, एकदम डिटेल में जाऊं तो यार बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो। सेवंथ पॉइंट है, ऑलवेज यूज यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या है? स्मोक्स, ग्रेनेड्स, स्टन वगैरह, ये सारी जो चीजें हैं, ये चीजों का यूज बराबर करो। कोई भी कंपाउंड पे पुश कर रहे हो तो ऑब्वियसली सामने वाला बंदा पूरा रेडी बैठा है, उसको पता है कि तुम आ रहे हो, तो वो टीपीपी लेके बैठा है, तो वहां पे मारना इजी नहीं है अगर सामने वाले का गन पावर अच्छा है। तो इस टाइम पे अंधा पुश मत किया करो, यूटिलिटीज का यूज किया करो। ग्रेनेड है तो ग्रेनेड का यूज करो, अपना आईक्यू लगाओ, कहां से फुटिंग आ रहा है, कहां नेट जाएगा और बंदा फटेगा, बंदे की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करो और नेड्स का यूज करो। अगर नेड नहीं है तो स्मोक्स का यूज करके भी पुश करो, लेकिन अंधा मत घुसो, स्मोक करो, घुस जाओ फिर मारो, चलेगा। मोलोटॉव अगर आपके पास है तो सबसे बेस्ट है, उसके दो इंपॉर्टेंट यूज बताता हूँ। एक तो आपको पता होगा कि आप सामने वाले को जला के खत्म कर सकते हो, इजीली आप उसे मार सकते हो, और काफी अच्छी रेंज तक वो काम करती है। एक कंपाउंड में बैठा है, आप उस रूम में डालते हो तो पूरे रूम के चारों कोने वहां पे जल जाएंगे, बंदा वहां पे होगा तो उसको लगेगी। और मोलोटॉव का तब यूज कर सकते हैं जब आप पे बंदे पुश कर रहे हो ना, तो सीढ़ी वगैरह पे या फिर जहां से भी बंदों का एंट्रेंस हो वहां पे मोलोटॉव कर दो, मॉली जिसको बोलते हैं। उस टाइम में आपको काफी सारा टाइम मिल जाएगा कि आप खुद को वहां से बचा सकते हो, या फिर कोई भी अच्छा पोजीशन होल्ड कर सकते हो, या फिर अपने टीममेट को रिवाइव दे रहे हो तो एक मॉली डाल दो तो बंदे आप पे पुश नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप यूटिलिटीज का पूरा यूज करो। एट्थ पॉइंट है, ऑलवेज यूज व्हीकल्स। अब देखो ओपन में घूमोगे तो ऑब्वियसली मारे जाओगे, हैकर नहीं तो बंदा तो मार ही देगा, कहीं ना कहीं बंदे कैंप करते हैं, कहीं ना कहीं से गाड़ियां जाती है, बंदे रोटेशन ले रहा है, तो आपको पड़ेगी, तो व्हीकल्स का हमेशा यूज करो। एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड तक भी जा रहे हो ना, एकदम अमीरों की तरह भाई व्हीकल्स का यूज करो, ऑन फुट मत ट्रैवल करो जितना हो सके। नाइन्थ पॉइंट है, डोंट कैंप, कीप चेकिंग योर सराउंडिंग्स। देखो कैंप मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल कैंप मत करो, कैंप करो, बट इतना गंदा कैंप नहीं कि आप बिल्कुल एक कंपाउंड में लेटे हो तो बिल्कुल लेटे ही हो, आसपास क्या हो रहा है, चार बंदे आपके घर पे घुस गए आपको पता नहीं चल रहा, ऐसा नहीं करना। कैंप करो, होल्ड करो, कैंप और होल्ड में डिफरेंस है। कंपाउंड्स पे होल्ड करो बट चारों तरफ नजर रखो कि भाई आसपास क्या चल रहा है, आसपास अगर कोई गाड़ी जा रही है, कोई बंदा आ रहा है तो उसे मारो, किल्स भी उठाओ और
डर के मत खेलो, कंपाउंड पे हो ऐसा मतलब ये नहीं है कि आप डर गए हो, कंपाउंड पे होल्ड करना एक स्ट्रैटेजी है, उसको कैंपिंग नहीं कहते, तो कैंप मत करो लेकिन होल्ड करके खेलो। 10th पॉइंट है, गो फॉर किल्स टिल डायमंड 5। अब देखो स्टार्टिंग में जब अपन रैंक पर शुरू करते हैं ना, तो डायमंड 5 तक माइनस कम लगता है, प्लस ज़्यादा ज़्यादा मिलता है, तब आप किल्स के पीछे भागो, क्योंकि उस टाइम पे केडी अच्छी मेंटेन कर लोगे ना, तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर उस टाइम पे किल्स नहीं निकाले तो बाद में जब हार्ड लॉबी होगी, एज पे जाओगे तब आप सेफ खेलोगे, तब आपको किल्स कम मिलेंगे। तो पहले जितना हो सकता है किल्स उठा के अपनी केडी मेंटेन कर लो, और उस टाइम किल्स ज़्यादा उठाओगे तो आपको प्लस भी ज़्यादा मिलेगा, यही दो बेनिफिट है इसके। 11th पॉइंट है, फिक्स डेली टारगेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कोई टारगेट बना के काम करते हो तो वो काम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम लोग यही करते हैं, डेली बेसिस पे टारगेट डिसाइड करते हैं कि आज भाई इतने पॉइंट्स निकाल लें, आज इतने चाहिए, तो एक दिन का लगभग हम लोग 500 टारगेट रखते हैं सीजन स्टार्टिंग में। जैसे गोल्ड से आज प्लेटिनम जाना है, दूसरे दिन प्लेटिनम से डायमंड जाना है, तीसरे दिन डायमंड से डायमंड 200, 300, 400, 500 पॉइंट जितने हो सके, ऐसा टारगेट बनाते हैं और करते हैं। ये टारगेट्स लाइक पहले पॉइंट वाइज चलेंगे, फिर जब आपकी रैंक आ जाएगी कि 10,000 रैंक के अंदर आ चुके हो प्लस कर करके, इतना प्लस आपका हो गया है, आप इतने पॉइंट्स हैं कि आपकी रैंक आ गई है, तब पॉइंट्स के पीछे मत भागो, तब रैंक का टारगेट बनाओ कि भाई आज 10,000 रैंक है, कल मुझे 7,000 रैंक पे आना है, परसों मुझे 6,000 रैंक पे आना है। ऐसे कर करके जब टारगेट्स बनाओगे तो गारंटीड वो अचीव करोगे। 12th पॉइंट है, कीप चेकिंग फ्लाइट पाथ। देखो कभी भी तुम खेल रहे हो ना, तो फ्लाइट पाथ पे नजर जरूर रखना, क्योंकि जब भी तुम ट्रैवल कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, लाइक जोन में एंट्री ले रहे हो, तो फ्लाइट पाथ को देख के चलना, क्योंकि फ्लाइट पाथ के आसपास वाले जो एरिया है वहां पे ज्यादा चांसेस हैं कि आपको बंदे मिलेंगे। अब आप मार के खेल रहे हो तो आपको बंदे ढूंढने के लिए ये चीज हेल्प करेगी कि भाई यहाँ यहाँ बंदे हो सकते हैं, ढूंढ के मारते हैं, फ्लाइट पाथ तब काम आएगा। दूसरा, जब आप सेफ खेल रहे हो, बच के खेल रहे हो, पैसिव खेल रहे हो, तब फ्लाइट पाथ काम आएगा कि भाई यहाँ से फ्लाइट पाथ गया था तो यहाँ बंदे हो सकते हैं, तो मैं यहाँ से नहीं जाता हूँ, कोई और जगह से जाता हूँ। तो ये चीज भी बहुत मैटर करती है, सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप ये चीज ट्राई करके देखो। जब फ्लाइट पाथ के अकॉर्डिंग खेलोगे ना, तो आपको किल्स वगैरह ज्यादा मिलेंगे फ्लाइट पाथ के आसपास वाले एरियाज में। 13th पॉइंट है, कीप चेकिंग किल फीड। किल फीड क्यों चेक करनी है? टू अवॉइड हैकर्स। किल फीड पे अगर एक ही नाम बार बार दिख रहा है, आपको लग रहा है कि भाई ये बंदा थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है कि यार ये हैकर हो सकता है, तब ना उस टाइम पे आपको सेफ खेलना है। अब सेफ क्यों खेलना है, आपको तभी पता चलेगा जब आपको कंफर्म हो कि भाई ये बंदा हैकर है। और वो कैसे कंफर्म होगा? किल फीड देख के। कोई आपको बताएगा नहीं आके कि भाई ये बंदा हैकर है, ऑल पे आपको आवाज मरने के बाद ही आती है, ऐसे नहीं आती है ना। तब आपको जब गेम में हो तब किल फीड पे नजर रखो, एक ही एक बंदे का नाम आ रहा है, हेडशॉट से मार रहा है, तो गेम थोड़ा सा सेफ खेलने लग जाओ। कोशिश करो सिचुएशन में कि जोन के बाहर खेलो, जोन के सेंटर वगैरह एरियाज में बिल्कुल मत रहना, एजेस पे खेलो, भली हैकर से मर जाओ बट लास्ट तक इतना सर्वाइव कर लो, इतने पॉइंट्स उठा लो कि आपको माइनस तो नहीं लगे, अच्छा खासा प्लस मिल जाए, भले आप चिकन मत निकालो उस मैच में। 14th पॉइंट है, स्टे आउट ऑफ द जोन व्हेन यू सस्पेक्ट अ हैकर। जो मैंने अभी बताया, अगर आपको लगता है कि भाई हैकर है लॉबी में, तब जोन के बाहर खेलो, और उस तरीके की सिचुएशन में कैसे खेलना है जब आपकी लॉबी में हैकर है, उस टाइम कैसे हम लोग खेल के अच्छा प्लस निकाल सकते हैं, अगर इस चीज पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर लगेगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे, तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि हैकर के अगेंस्ट आपको कैसे खेलना चाहिए। 15th पॉइंट है, लर्न टू फॉल बैक। ये वाला पॉइंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉल बैक करना यानी जब आप फाइट ले रहे हो, फाइट के बीच में अगर आपको लग रहा है कि भाई ये फाइट हम लोग हारने वाले हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, तब वहां से निकल जाओ। भाई इसको डर के भागना नहीं कहते, इसको समझदारी कहते हैं। काफी सारे लोग ईगो में आ जाते हैं कि यार या तो मरेंगे या मारेंगे, जो होगा देखा जाएगा, तो उस सिचुएशन में बंदे अपना माइनस लगवा लेते हैं। जब आपको लग रहा है सामने वाला बहुत अच्छा खेल रहा है, क्योंकि किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, आपसे अच्छे खेलने वाले भी गेम में है, अगर आपको लगता है कि वो अच्छा मार रहा है, मैं उसको नहीं मार सकता, तो वहां से निकल जाओ और चिकन पे फोकस करो, क्या पता वो बंदा आगे जाके किसी और से मर जाए, है ना। 16th पॉइंट है, ट्राई टू फाइट ओनली इन द लास्ट जोन। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप किल्स के पीछे भागोगे तो आपके मरने के चांसेस वहां पे बढ़ जाएंगे, और अगर वहां पे मरते हो तो माइनस ज्यादा लगेगा, प्लस नहीं मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, और बहुत लाइक डिमोटिवेशन आएगा जब माइनस लगेगा। तो स्टार्टिंग में फाइट्स मैं रिकमेंड करूंगा मत लो। अगर आपको लगता है कि भाई बहुत इजी है, एक ही बंदा है कंपाउंड पे बैठा है, तो आप चार बंदे पुश कर रहे हो या दो बंदे मिलकर पुश कर रहे हो, तो ठीक है, बट फाइट तभी लो जब लास्ट जोन हो।
लास्ट जोन तक खुद को बचा के रखो। जैसे ही लास्ट में 10 से या 15 बंदे बचते हैं ना, तब अगर आपको बंदा दिखता है तो आप बेफिक्र होके बिल्कुल मारो, क्योंकि तब आपका माइनस लगने का डर खत्म हो गया। लाइक एक एरिया है जिससे तुम बाहर आ गए हो कि अब माइनस नहीं लगेगा, तब एकदम कॉन्फिडेंस से खेलो। ये चीज बहुत मैटर करती है। पूरा एंड तक डर के खेलोगे ना तो किल्स नहीं मिलेंगे, और किल्स नहीं मिलेंगे तो ज्यादा प्लस नहीं मिलेगा, ज्यादा प्लस नहीं मिलेगा तो वही डिमोटिवेशन आएगा और तुम छोड़ दोगे। ओके, तो ये चीज नहीं करनी है। लास्ट जोन में सफिशियंट किल्स मिल जाते हैं, 5-6 किल्स आप आराम से निकाल सकते हो आखिरी आखिरी में भी, और चिकन पे फोकस करो। अगर आपको लाइक लग रहा है कि ये फाइट भी अवॉइड कर सकते हैं, नहीं ले सकते हो तो छोड़ दो, लेकिन चिकन पे फोकस करो कि भले लास्ट बंदे को मारूंगा बट चिकन लूंगा। 17th पॉइंट है, हैव पेशेंस एंड स्टे मोटिवेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेशेंस चाहिए यार। देखो टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि तुम 2-3 दिन में खेल के कॉन्करर की उम्मीद करो और हो जाएगा, या फिर दिन में सिर्फ 2 घंटे खेल रहे हो, 1 घंटा खेल रहे हो और 10 दिन तक भी खेलो तो एक्सपेक्ट करोगे कि यार कॉन्करर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो पेशेंस आपको चाहिए, टाइम देना पड़ेगा। माइनस लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, प्लस भी तो होगा ना, तो वहां पे मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी चीज आपको मोटिवेट करती है वो चीज याद करो, और उस टाइम पे अपने आप अपना लाइक मूड अच्छा रखो। अच्छे मूड के साथ खेलोगे तो तुम्हारा वहां पे मैचेस भी अच्छे जाएंगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ये कोई ऐसी कहा सुनी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं खराब मूड से गुस्से से खेलता हूँ ना, तब मेरा माइनस लगता है, और एकदम खुशी खुशी खेलता हूँ अपने दोस्तों से बातचीत बकचोदी करते हुए तब मेरा प्लस लगता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कैसे अपने आप को खुश रख सकते हो, और मोटिवेशन के साथ खेलो, छोड़ना बिल्कुल भी मत। अगर छोड़ दिए तो भाई नहीं होगा ना, काफी सारे लोग यही करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं फिर छोड़ देते हैं, सोचते हैं भाई इतना टाइम हो गया नहीं हुआ, बट 2 मंथ रहते हैं, 2 महीने बहुत रहते हैं भाई कॉन्करर करने के लिए। 18th पॉइंट है, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। अब जब हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं वो एक लेडी आके बोलती है टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स एंड प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड ऑल, वो क्यों बोलती है? क्योंकि भाई अपना लाइक दिमाग ना थोड़ा सा सही होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। पूरा टाइम गेम खेलोगे ना, पूरा ध्यान तुम्हारा गेम पे होगा तो दिमाग नहीं काम करेगा, पागल से हो जाओगे। तो बीच बीच में ब्रेक्स लो, थोड़ा बहुत लाइक बाहर की हवा भी खाओ, घर से बाहर निकलो, थोड़ा बहुत छत पे जाओ, घर वालों से टाइम स्पेंड करो, उनसे बात बात करो, लाइक थोड़ा सा गेम से दिमाग को डाइवर्ट करो, फिर वापस से आप भले खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 19th पॉइंट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्ले अदर मोड्स। ये क्यों? आपका गन पावर मेंटेन करने के लिए। गन पावर कैसे मेंटेन होगा? आप जब क्लासिक खेल रहे हो, जब जिसमें आप रैंक पुश कर रहे हो, तब आप फाइट्स अवॉइड करके खेल रहे हो, जैसी पूरी स्ट्रैटेजी मैंने बताई। अगर वैसा खेल रहे हो, फाइट्स नहीं ले रहे हो, सेफ खेल रहे हो, होल्ड करके खेल रहे हो, तो आपका गन पावर वहां पे गारंटीड वीक होगा। तो उसको बनाए रखने के लिए दूसरे मोड्स खेलो, जैसे सोलो पुश कर रहे हो अगर, तो जाके स्क्वाड खेल लो अपने दोस्तों के साथ, आपका माइंड फ्रेश भी हो जाएगा और आप वहां पे बंदों को अग्रेसिवली मारो, घुस घुस के मारो, तो आपका गन पावर मेंटेन रहेगा। या तो टीडीएम्स खेलो, या अपने टीममेट्स के साथ लाइक रूम वगैरह अगर खेलते हो तो वो भी कर सकते हो, बट असॉल्टिंग का प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं रूम खेल रहे हो तो फिर M24 खेलने लग गए, नहीं, असॉल्टिंग का प्रैक्टिस करो और अपना हाथ बनाए रखो फाइट्स के टाइम पे। 19 पॉइंट्स हो चुके हैं जो कि गारंटीड तुम्हें कॉन्करर पहुंचा देंगे, अगर ये सारी बातें दिमाग में रख के खेलते हो तो। डिवाइस वगैरह नहीं मैटर करता उतना ज्यादा, करता है बट उतना नहीं कि तुम कर ही नहीं पाओ, कॉन्करर कर सकते हो, बस ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा, और क्या, कम प्लस मिलेगा, किल्स नहीं निकालोगे, बट होगा ना। डिवाइस के पीछे मत रोया करो कभी भी कि मेरे पे डिवाइस नहीं है तो मेरे से नहीं होगा। भाई मैंने भी लो एंड डिवाइस पे कॉन्करर किया है, और बहुत सारे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने भी किया है, तो हो जाएगा। 20th और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टे कनेक्टेड विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब ये गेम से रिलेटेड कोई टिप या ट्रिक नहीं है कि भाई तुम ऐसा करोगे तो ज्यादा प्लस मिलेगा, ऐसा वैसा नहीं। ये चीज तुमको मेंटली सपोर्ट करेगी, गेम के बीच में थोड़ा सा लाइक अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करो। ये नहीं कि गेम खेल रहे हो पूरा दिन, भाई दिमाग खत्म हो जाएगा उतने में, पागल से हो जाओगे। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और उन सबसे कनेक्टेड रहो, जो भी लोग तुम्हें लाइक अच्छा फील करवाते हैं उनके साथ रहो। तो ये सारी बातें थी जो कि तुम्हें बहुत काम आने वाली है। अगर तुम्हें वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है, पूरा सोच समझ के एक एक पॉइंट में बताता हूँ, कुछ भी ऐसी यारी गारी बातें नहीं कहता, पूरा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ही तुम लोगों को बताता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, यार थक गया मैं बोलते बोलते आज, फिर से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर गाइस।